प्रिय हिंदी मित्रों नमस्कार, हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और जरूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। हिंदी प्रतियोगियों के लिए संपूर्ण और अद्यतन मंच हाईटेक हिंदी पर हम बात कर रहे हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि रिवीजन सीरीज डेली के अंतर्गत हम आपके लिए ला रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अंतर्गत हम आपसे पूछते हैं, जिसमें NTA NET GRF TGT PGT स्कूल और कॉलेज लेक्चरर के सभी मित्रों के लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण होते हैं। अब तक इसके अंतर्गत आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में द्विवेदी युग और भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर MCQs फॉर्मेट में बात हो चुकी है और अब हम बात कर रहे हैं छायावाद पर। छायावाद और छायावाद से ही जुड़ा अगला जो दौर था उसका नाम उत्तर छायावाद कह सकते हैं, स्वच्छंदतावाद कह सकते हैं या राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा कह सकते हैं। इन सबसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिवीजन श्रृंखला लेकर के आज हम उपस्थित हुए हैं। यकीन मानिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जिस प्रकार आप लोग जिस सक्रियता के साथ इसमें भाग ले रहे हैं परीक्षा में, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही कारगर होने वाले हैं। अभी NTA NET GRF के बदले हुए पैटर्न में प्रश्नों की प्रकृति बदल गई है। ये प्रश्नों की प्रकृति पिछले 2-3 एग्जाम से हुई है। अगर पिछले 2-3 एग्जाम जो अभी हालिया में हुए हैं अगर उनको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार जटिल बनाए जा रहे हैं और मेरिट किस प्रकार कम जा रही है। जटिल प्रश्नों के होने से मेरिट क्या होती है, कम जाती है, क्योंकि प्रश्न अक्सर गाइडों में या किताबों से सीधे सीधे नहीं पूछे जाते हैं। आइए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्सार को। पूछा गया ये पंक्ति किसकी है, जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्सार को। पंक्ति किस छायावादी साहित्यकार की है, प्रसाद निराला पंत और महादेवी वर्मा ऑप्शन में दिए हुए हैं। प्रसाद के बारे में आप सबको पता है कि प्रसाद का जन्म जो है 1889 में हुआ था। जो छायावाद की चतुष्टय है उनमें प्रसाद सबसे अग्रणी है या यूं कह लें कि अग्रज कवि हैं इन सभी कवियों के, और साथ ही साथ 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके बचपन का नाम था झारखंडी, पिता का नाम था इनके देवी प्रसाद। और अगर इनके महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कृतियों की बात करें तो उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बृहवाहन, चित्राधार जैसी उन्होंने महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं। प्रथम प्रभात जयशंकर प्रसाद की पहली कविता है जिसे छायावादी पहली कविता मानी जाती है जयशंकर प्रसाद की। झरना जो इनका प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। कलाधर उपनाम से इन्होंने ब्रजभाषा में कविताएं लिखी थी। खड़ी बोली का इनका पहला काव्य संग्रह कानन कुसुम है। और मजे की बात, आंसू जो इनकी रचना है उसको स्मृति काव्य कहा जाता है और कामायनी जो है वो महाकाव्य है। कामायनी के अंतर्गत 15 सर्ग हैं। महत्वपूर्ण छंद इसमें तांटक प्रयोग किया गया है। महत्वपूर्ण दर्शन के रूप में आनंदवाद या समरसतावाद की स्थापना की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमने प्रसाद के बारे में आपको बताई। हाईटेक हिंदी से जुड़ने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होगा और सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा होगा कि हिंदी साहित्य की जो ये क्लास आपकी ली जा रही है इसकी तैयारी जो है वो बहुत ही गूढ़ तरीके से और गंभीर अध्ययन के बाद कराई जा रही है। इसलिए आप इन प्रश्नों को, इन तथ्यों को बहुत ही ध्यान से सुने, इनको यथा समय जो भी तथ्य आपको नहीं पता हैं उनको आप क्या करें, नोट करते रहें, साथ साथ नोट करते रहें। और ये जो आप इधर उधर भटक रहे हैं आप भटकना बंद करें। एक चैनल हाईटेक हिंदी आपके लिए बहुत पर्याप्त है, उसके बाद आपकी किताबें जो है वो मुख्य रूप से सहायता करेंगी। प्रश्न पूछा गया था, इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। ये पंक्तियाँ किसकी हैं, ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। ऑप्शन 4 जो है इसमें ऑप्शन डी वो सही है। अगला प्रश्न है, करुणामय को भाता है तमके पर्दे में आना, हे नभ की दीपावलियों क्षण भर को बुझ जाना। करुणामय को भाता है तमके पर्दे में आना, हे नभ की दीपावलियों क्षण भर को बुझ जाना, पंक्ति किसकी है। पूछा गया है, ये बिल्कुल नई पंक्ति है आपके लिए। ये पंक्ति जो है आपको हिंदी के टेक्स्ट बुक में मिलेगी, अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, गाइड में आपको ये पंक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन ये टेक्स्ट बुक में पंक्ति है और परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। करुणामय को भाता है तमके पर्दे में आना,
हे नभ की दीपावलियों क्षण भर को बुझ जाना। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, शिवानी और अनामिका ऑप्शन में दिए हुए हैं। शिवानी और अनामिका जो हैं ये आधुनिक दौर की कवियत्री, आधुनिक दौर की लेखिकाएं हैं। महादेवी वर्मा छायावाद से जुड़ी हुई हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की महत्वपूर्ण कवियत्री हैं। इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। सही उत्तर क्या होगा? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की अगर बात करें तो आपको पता है कि 1907 में इनका जन्म कहाँ हुआ था? फरुखाबाद में हुआ था और मृत्यु 1987 में इलाहाबाद में हुई थी। 1944 में इन्होंने साहित्यकार संसद की स्थापना की थी। महत्वपूर्ण काव्य संग्रहों की अगर बात की जाए तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत और दीपशिखा, आधुनिक युग की मीरा भी इन्हें कहा जाता है, बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर के वीणा पाणी भी कहा जाता है। इनका जो एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह निहार, परीक्षा में पूछा जाता है कि उसकी भूमिका किसने लिखी थी, तो हम आपको बता दें कि उसकी भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखी थी। सप्तपर्णा नाम की जो इनकी कृति है उसमें महादेवी वर्मा जी ने ऋग्वेद के मंत्रों का क्या किया था? काव्यानुवाद किया था। अभी प्रश्न पूछा गया है अगला, मैं नीर भरी दुख की बदली गीत महादेवी के किस काव्य संकलन में संग्रहित है? बहुत बार आपने सुना होगा मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी थी मिटकल आज चली, ये पंक्ति पूछा गया है किस काव्य संकलन में है। ये आपको पता है कि महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है, लेकिन किस काव्य संकलन में ये महत्वपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर होगा सांध्य गीत। ये किस काव्य संकलन की पंक्ति है? सांध्य गीत की पंक्ति। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आएंगे और इस प्रकार के प्रश्नों पर आपको ध्यान देना है। इससे पहले प्रश्न कैसे आते थे, मैं नीर भरी दुख की बदली पूछता था और ये आपको उत्तर देना होता था महादेवी वर्मा। अब इस प्रश्न को अगर थोड़ा सा जटिल करेगा तो आपसे पूछेगा कि मैं नीर भरी दुख की बदली जो किस काव्य संकलन में ये गीत है, तो इसका सही उत्तर होगा सांध्य गीत। अगला प्रश्न, नारी के हृदय में जो गंभीर ममता सजल वीर भाव पैदा होता है वह पुरुष के उस शौर्य से अधिक दिव्य और उदात्त रहता है। नारी अपने सृजन की बाधाएं दूर करने के लिए या कल्याण सृष्टि की रक्षा के लिए ही रुद्र बनती है, यह कथन किसका है? पूछा गया है किसका कथन है, अनामिका, मैत्री पुष्पा, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा ऑप्शन में दी हुई हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर तो महादेवी वर्मा है और महादेवी वर्मा ने ये बात किसके लिए कही थी? सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य, उनकी रचना और उनके जीवन संसार का मूल्यांकन करते हुए महादेवी वर्मा ने यह बात कही थी। अगला प्रश्न, निम्न में से एक पंक्ति महादेवी जी की नहीं है, उस पंक्ति का आपको नाम बताना है। रात के उर्मे दिवस की चाह का सर हूँ, पहली पंक्ति है रात के उर्मे दिवस की चाह का सर हूँ, विरह का जलजात जीवन, रंगों से जिसने खेला हो ऐसे फूलों की वह डाली, यह दीप यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो। ये जो तीन पंक्तियाँ हैं, यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो, यह भी महादेवी वर्मा की पंक्ति है, विरह का जलजात जीवन ये भी महादेवी वर्मा की पंक्ति है, और रात के उर्मे दिवस की चाह का सर हूँ ये पंक्ति भी किसकी है? महादेवी वर्मा की है। लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, रंगों से जिसने खेला हो ऐसे फूलों की वह डाली, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। अगला प्रश्न, निम्न में एक पंक्ति सुमेलित नहीं है, वह पंक्ति आपको उस काव्य पंक्ति को बताना है जो सुमेलित नहीं है, यानी जिसका सही सही मेल नहीं हुआ है, ऐसी पंक्ति का नाम बताना है, यानी पंक्तियाँ और उसके लेखक या लेखिका कौन है, इसका सही सुमेलन नहीं हुआ है, यह आपको बताना है। मैं मधु हूँ, मुझसे पतझर का क्या नाता, ये पंक्ति या ये कविता की पंक्तियाँ किसकी हैं? महादेवी वर्मा की हैं, बिल्कुल ठीक है ये। इस धारा सा ही जग का क्रम, ये पंक्ति पंत की है, ये भी ठीक है। अगला जो है, होगी जय होगी हे पुरुषोत्तम नवीन, ये पंक्ति भी निराला की है। अभी पूछा गया है रंगमय है देव दूरी छू तुम्हें रह जाएगी, यहाँ लिखा हुआ प्रसाद, जबकि ये प्रसाद की पंक्ति ना होकर के ये पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की है। ये पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की पंक्ति है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा, इन चारों के दो दो महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। मजे की बात ये है कि पिछले दिनों की तुलना में कमेंट करने वाले मित्रों की संख्या इतनी बढ़ रही है, शेयर करने वाले मित्रों की संख्या इतनी बढ़ रही है कि पढ़ने और पढ़ाने में मज़ा आ रहा है। अगला प्रश्न, दीप शिखा एक काव्य संग्रह नहीं,
दीपक राग है, दीप शिखा एक काव्य संग्रह नहीं दीपक राग है। घिर रहा तम आज दीपक राग इन्हीं अपनी जगा लूँ, आज दीपक राग गा लूँ। निराला की तरह उनके पास प्राची दिगंत पुष्कल रविरेखा नहीं है, केवल अंधकार का एक वृत्त है जिसमें निरंतर टिमटिमाती हुई दीप शिखा है, किस आलोचक का कथन है? ये प्रश्न पूछा गया है आपसे, किस आलोचक का कथन है, ये महत्वपूर्ण कथन किसका है। हमने आपको बताया है कि कथन कारण के प्रश्न जो है ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, खास करके कौन सी परीक्षा में, एनटीए नेट जीआरएफ की परीक्षा में। पुष्पपाल सिंह आधुनिक समय के बड़े आलोचक हैं, विजय देव नारायण शाही, बच्चन सिंह और धनंजय। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि पुष्पपाल सिंह, विजय देव नारायण शाही, बच्चन सिंह और धनंजय का जन्म स्थान कहाँ कहाँ है, ये आप हमें कमेंट करेंगे। अब हम बताते हैं आपको कि ये किसका कथन है। इसका सही उत्तर होगा बच्चन सिंह। बच्चन सिंह के बारे में हम आपको बताएं तो बच्चन सिंह के बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास या हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो ये पुस्तक है बच्चन सिंह की, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। एक बात हम आपको और कहना चाहेंगे कि आपका चुनाव जो है वो आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। चुनाव से क्या आशय है कि आप क्या चूज करते हैं। जब आप YouTube चला रहे होते हैं तो वहाँ आप किस चैनल को चुनते हैं, जब आप किसी अध्यापक का वीडियो देख रहे होते हैं तो आप किस अध्यापक को चुनते हैं, और उनको आप किस प्रकार लेते हैं, किस जो है टेलीग्राम चैनल से और किस व्हाट्सएप समूह से आप जुड़ रहे हैं और वहाँ आपको कितना लाभ हो रहा है, ये निर्धारित करता है आपकी सफलता। अन्यथा क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपना समय खराब करते हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि कम पढ़ें, बेहतर पढ़ें, और जितना भी पढ़ें उसको बार बार पढ़ें। हम आपसे कहेंगे कि ये जो वीडियो आप देखते हैं, इतने वीडियो पड़े हुए हैं, कम से कम 150 से ज़्यादा वीडियो हाईटेक हिंदी के चैनल पर पड़े हैं, अगर आप उन वीडियोज़ को खाली बार बार सुनते रहें तो यकीन मानिए बिना किसी किताब के, बिना किसी तैयारी के आप जो है परीक्षा में बेहतर कर पाएंगे। और बिना आपकी अपनी मेहनत के कोई भी ट्रिक, कोई भी चैनल वाला आपको कोई भी जादू की छड़ी नहीं है उसके पास कि वो आपको दे देगा और उससे आपकी तैयारी हो जाएगी। इसलिए आपको श्रम करना पड़ेगा और उस श्रम के साथ जो है हाईटेक हिंदी के योगदान से आप बेहतर कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, आलोक मुझे प्रिय है पर दिन से अधिक रात का, किसकी पंक्ति है। पूछा गया है आलोक मुझे प्रिय है पर दिन से अधिक रात का, ये पंक्ति किसकी है। इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। किसकी पंक्ति है, महादेवी वर्मा की पंक्ति है। निम्न में से एक पंक्ति हरिवंश राय बच्चन की नहीं है, उस पंक्ति को बताना है कि वो कौन सी पंक्ति है। मिट्टी सा तन मस्ती सा मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय, ये पंक्ति किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है। इस पार प्रिय मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा, ये पंक्ति किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है। है आज भरा जीवन मुझ में है आज भरी मेरी गागर, ये पंक्ति भी किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की। तोड़ दो या क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है, ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न, निम्न में बच्चन की एक कृति मधु काव्य के अंतर्गत नहीं आती है। इसको तो बहुत सिंपल तरीके से आप याद कर सकते हैं क्योंकि इन सारी रचनाओं में जो मधु काव्य के अंतर्गत आती हैं उनमें मधु पहले लगा हुआ है, जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये सभी रचनाएं क्या कहलाती हैं, मधु काव्य कहलाती हैं, बच्चन की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। निशा निमंत्रण जो इनकी रचना है वो एक तरीके से विषाद काव्य के अंतर्गत आता है, इसमें जो है दुख की अभिव्यक्ति की गई है। अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है कि निम्न में बच्चन की एक कृति जो विषाद राग के अंतर्गत नहीं आती है उसका नाम क्या है। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत और आकुल अंतर, ये तीन रचनाएं जो है, ये तीनों की तीनों रचनाएं विषाद राग के अंतर्गत आती हैं, लेकिन जो मिलन यामिनी है ये रचना विषाद के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसका सही उत्तर होगा मिलन यामिनी। अगला प्रश्न है, मुझमें है देवत्व तो जहाँ पर झुक जाएगा लोग वहाँ पर न मिलेंगे मेरी दुर्बलता को दुर्लाने वाले, किसकी पंक्ति है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है और इसको आपने सुना भी होगा, मुझमें है देवत्व तो जहाँ पर झुक जाएगा लोग वहाँ पर न मिलेंगे मेरी दुर्बलता को दुलराने वाले। यानी कि इस पंक्ति में हरिवंश राय बच्चन ने ये बताया है कि उनको जो है मानवीय जो दुर्बलताएं हैं उसके साथ स्वीकार किया जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति में गुण होगा, ढेर सारा गुण होगा, उसके सामने तो पूरा लोक ही झुक जाएगा। तो ये क्या है, ये पंक्ति किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की महत्वपूर्ण पंक्ति है। आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं, आपको रिवीजन सीरीज डेली का वीडियो कैसा लग रहा है, इस संदर्भ में आप अपनी राय
कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप बताएं हमें कि प्रश्नों का स्तर कैसा है, प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, प्रश्न आपको समझ में आते हैं, समझाने का तरीका कैसा है, इन सारी चीज़ों को आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आने वाले दिनों में आपके सुझाव के अनुसार सही जो इसमें सुधार कर सकें। अगला प्रश्न है, किसका कहना है कि बच्चन का निशा निमंत्रण अत्याधुनिक इसलिए है कि उसमें जितनी उत्तमता से यथार्थ के प्रति भावात्मक रिश्ते का दिग्दर्शन कराया गया है वह हिंदी साहित्य जगत में दुर्लभ है, ये कथन किसका है? अज्ञेय मुक्तिबोध, रघुवीर सहा या परमानंद श्रीवास्तव? इसका सही उत्तर होगा मुक्तिबोध। क्या होगा इसका सही उत्तर? मुक्तिबोध होगा। अंधेरे में मुक्तिबोध की एक कविता है, लंबी कविता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस, इन दो कविताओं के प्रकाशन वर्ष क्या हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। आगे की एक महत्वपूर्ण रचना है असाध्य वीणा, आप हमें कमेंट करके ये बताएंगे कि असाध्य वीणा का प्रकाशन वर्ष क्या रहा है। अगला प्रश्न, छत शीश मगर नत शीश नहीं, शोक्ति परक वाक्य किसने कहा है? छत शीश मगर नत शीश नहीं, यानी कि सर कटा देंगे लेकिन झुकाएंगे नहीं, ये बात कही है। छत शीश मगर नत शीश नहीं, सूक्ति परक वाक्य किसने लिखा है? इसका सही उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन। ये पंक्ति किसने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन की ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला प्रश्न है, चार खेमे 64 खूमे खूटे कविता किसकी है? चार खेमे 64 खूटे कविता किसकी है? इसका सही उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन। ये किसकी कविता है? हरिवंश राय बच्चन की महत्वपूर्ण कविता है। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, किस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? सभी मित्रों ने इसका लगभग सही उत्तर दिया था, पल्लव। हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मित्र आज की वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया है इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं करके ये जो पंक्ति शुरू होती है कविता की, पुष्प की अभिलाषा, ये हमने बचपन के दिनों में पढ़ी भी थी। ये किसकी कविता है? मैथिली शरण गुप्त की, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर या बच्चन? ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मित्र कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो ये रहा आज का वीडियो, अगला वीडियो लेकर हम बहुत शीघ्र आ रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, कोई प्रश्न, कोई सुझाव या सहयोग हो तो आप हमें लिख सकते हैं।